दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं बहुत ही यूनिक पौधा है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे और इसको हम उगाएंगे। तो कैसे उगाना है हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस पौधे का नाम है दोस्तों इस पौधे का नाम है ऑक्सालिस ट्रायंगुलर। दोस्तों ऑक्सालिस ट्रायंगुलर ऑक्सालिस ट्रायंगुलरिस। तो दोस्तों बात ये है कि मैं टीचर थी गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन हिंदी की आज भी कुछ शब्द जो है मुझे बोलने में बड़े कठिन लगते हैं, चाहे वो हिंदी के हो चाहे इंग्लिश के हो। तो मुश्किल से इसको मैं आपको इसका नाम बताई हूँ। मैं इसका नाम लिख दूंगी, अब बार बार मत बोलिएगा कि इसका नाम बोलूं। मैं एक बार मैंने बोल दिया है। तो इसके ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है, ऑक्सालिस प्रजाति का है। इसमें और भी बहुत सारे पौधे होते हैं, इसको तितली पौधा भी शायद बोलते हैं क्योंकि तितली की तरह दिखता है। तो आइए दोस्तों इसको हम किस तरह से उगाएंगे हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों इस पौधे को उगाने के लिए, कितना सुंदर कलर है आप देखिए इसका, पर्पल कलर तितली जैसे। तो इस पौधे को उगाने के लिए नॉर्मल मिट्टी हम लेंगे जो हमने बनाया हुआ है। इसमें कंपोस्ट, इसमें सारी चीजें मिक्स हैं और मैं इस तरह से बनाकर रखती हूँ। जब मुझे जरूरत होता है तो इसको मैं भर लेती हूँ और लगा देती हूँ पौधों को। तो ये मिट्टी हमारी पहले से ही तैयार है, अब इसको हम भरेंगे। पहले इसको इस मिट्टी में साधारण मिट्टी है और राइस हस्क है, थोड़ी सी राख है, थोड़ी सी आपका काउडंक और बकरी से लीद से बनी हुई खाद, और साथ में इसमें है नीम की खली या पत्ती कहिए। ये सारी चीजें इसमें हमने मिक्स कर दी है। अब इसमें हम उगाएंगे उस पौधे को। तो दोस्तों इसके लिए पॉट बहुत गहरा नहीं होना चाहिए, ये छोटे पॉट में भी लग जाता है। और देखिए दोस्तों इस तरह से इसके बल्ब होते हैं, ये जड़ें होती हैं। ये टूट गया, मैंने इसको उठाया तो ये हमारा पौधा, ये देखिए ये इस तरह से बल्ब के साथ। आप यहाँ से मत लीजिए इसको कभी भी, क्योंकि वहाँ से ये नहीं लगता है। तो इस तरह से इसको उगाना है। ये देखिए ऐसे मिट्टी में किए और इसको यहाँ से ऐसे डाल दिए। ये हर सीजन में चलता है पौधा, बहुत खूबसूरत लगता है, गार्डन में आपके होना ही चाहिए। बस ये एक दो महीने के लिए डोरमेंसी में जाता है, लेकिन जब ये डोरमेंसी में जाता है ना तब भी इसके अंदर ये बॉल बने रहते हैं। इसको ज्यादा पानी, ज्यादा धूप ये सब की जरूरत नहीं होती है, ये हल्के शेड वाले जगह में भी रह जाता है। तो दोस्तों थोड़े बहुत इसके पत्तों को खाया जाता है, फॉरेन में इसके पत्तों को सलाद को सजाने के काम में लेते हैं। और एडिबल है पत्ता, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खा, इसमें हल्की सी खटास होती है, खट्टा होता है ये। ये देखिए इसके बल्ब, ये इसकी जड़ है, छोटे से गाजर जैसी दिखती है। तो इस तरह से आप इसको लगाइए, पौधा मरता नहीं है। अगर मान लीजिए मरता भी है तो वो मरता नहीं है, वो डोरमेंसी में जाता है। तो आप इस चीज की चिंता मत करिएगा कि ये पौधा हमारा मर गया है, अंदर इसके जड़ें रहती हैं और वक्त आने पे, टाइम आने पे अपने टाइम में ये उग जाती हैं। तो इस तरह से इस पौधे की देखभाल होती है, ज्यादा पानी मत डालिए इसमें। वैसे पानी में भी चलता है, लेकिन ज्यादा पानी, ज्यादा धूप ये सब इसको नहीं चाहिए होता है। बहुत ही मतलब कि इजी तरीके से इस पौधे की देखभाल की जरूरत होती है, कुछ चीजों की थोड़ी जरूरत होती है ध्यान देने की। तो जो मैं बता रही हूँ उस चीज को देखिए आप, कि मतलब इसको बहुत ज्यादा गहरे पॉट की जरूरत नहीं होती है, ये कम ऊंचाई वाले पॉट में भी आराम आराम से सरवाइव करता है।
कुछ टाइम के लिए डोरमेंसी में जाता है, आप चिंता मत करिएगा, ये फिर इसकी जड़ें अंदर रहती हैं, टाइम आने पे फिर उग जाएंगी। डोरमेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिएगा, कम ही पानी दीजिएगा। देखिए डोरमेंसी के टाइम में इस तरह की जो इसकी जड़ें हैं वो नीचे ही रहती हैं और टाइम आने पे ये फिर से उग जाती हैं। ये देखिए इस तरह से ये पौधा होता है। इसकी जड़ें अगर आप मान लीजिए आपको पौधे नहीं मिलते हैं तो इस तरह की इसकी जड़ें भी आप ऐसे लगा देंगे तो आराम से इसमें ये पत्तियां आ जाएंगी, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। फॉरेन कंट्री में इसको सैलेड को सजाने के काम में लेते हैं। और ये इस पत्ते में हल्की सी खटास होती है जो खाने में अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो इस तरह से आप इस पौधे को अपने गार्डन में जगह दीजिए। आपको मैं बंच में दिखा रही हूँ इसकी जड़ें, ये देखिए ऐसे छोटी छोटी गाजरें जैसी दिख रही हैं, देखिए। और इसी से फिर आप ढेर सारे पौधे बना सकते हैं इन जड़ों से, क्योंकि इसमें आपने लगाया फिर दो चार पेड़ उखाड़ के आप दूसरे गमले में लगा दीजिए, ये आराम से वहां लग जाएगा। तो दोस्तों इसको हमने देखिए लगा दिया, अब ये रात भर में बढ़िया रिलैक्स हो जाएगा और अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा और उग जाएगा। इस प्रजाति के पौधे और भी होते हैं और कलर के होते हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती अलग ही होती है। इसको तितली पौधा भी बोलते हैं दोस्तों। इसके देखिए इसको ऐसे लगता है कि कोई तितली बैठी है, देखिए ध्यान से ये देखिए, तो इसको तितली पौधा भी बोलते हैं। शाम के टाइम में दोस्तों इसके पत्ते जो है सिकुड़ जाते हैं, तो चिंता मत करिएगा, सुबह फिर ऐसे खिल जाते हैं। जब ये सोता है तो इसके पौधे जो है पत्ते जो है सिकुड़ जाते हैं, ऐसे देखिए तितली की तरह हो गए हैं। सुबह फिर इसके पौधे ऐसे खिले रहेंगे, तो ये चिंता मत करिएगा कि पौधा आपका खराब हो रहा है, ये सो रहा है। उस टाइम पे ये रिलैक्स मोड में रहता है, उस टाइम पे इसके पत्ते जो है सिकुड़ जाते हैं। तो दोस्तों इसको मैं सुबह फिर दिखाऊंगी कि ये कैसे दिख रहा है। तो इस पौधे को आप जरूर अपने गार्डन में जगह दीजिए, ये सैलेड को सजाने के काम आता है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत ही यूनिक है। मुझे तो बहुत ही कम देखने को ये पौधा मिलता है। दोस्तों लगाने के बाद इसमें ना ऐसे हल्के हाथों से पानी सींच दीजिए, बहुत तेजी से पानी मत डालिएगा, पौधा सॉफ्ट होता है। इसके बाद तो ये अच्छा हो जाएगा, आज बस इसमें थोड़ा सा केयर करना है इसको। इस तरह से थोड़े से पानी आप सींच कर रख दीजिए। शाम का टाइम दोस्तों पौधे लगाने के लिए बहुत उपयुक्त होता है, क्योंकि शाम के टाइम में पौधा रिलैक्स हो जाता है रात भर। अगर आप सुबह लगाएंगे तो इसमें लगाते ही लगाते सुबह सुबह की धूप मिलेगी और पौधा सूख जाता है। तो शाम का टाइम सबसे बेहतर होता है पौधा लगाने के लिए। दोस्तों कल हमने इस बटरफ्लाई पौधे को लगाया था, आज कितना सुंदर लग रहा, पाइन कलर। कल इसके पत्तियां जो है ना तितली की तरह दिख रही थी, क्लोज हो गई थी, शाम हो गई थी, तो अभी देखिए ओपन हो गया है इस तरह से। तो दोस्तों इसकी लीव ही बड़ी सुंदर होती है, लेकिन इसमें फूल भी होते हैं। ये मैं आपको इसके फूल दिखा रही हूँ, ये देखिए बड़े प्यारे प्यारे से फूल होते हैं। थोड़ा सा अभी मुरझाया हुआ है क्योंकि अभी इसको हमने कल लगाया है, ये देखिए। तो दोस्तों आप लोग भी लगाइए, देखिए ये ऐसे डे बाय डे और सुंदर होता जाएगा, क्योंकि कल ही इसको हमने लगाया है। बहुत सॉफ्ट होता है पौधा, तो आप लोग भी लगाएं। आसान है इसकी केयर करना, इसको बहुत तेज धूप में नहीं रखना है, छांव धूप वाली बिल्कुल छाया में भी नहीं रखना है, हल्की धूप भी चाहिए और हल्की छाया भी चाहिए इसको, देखिए। तो दोस्तों हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन तो जरूर दबा दें, ताकि आपको नए नए पौधे और नए नए विषय की जानकारी हम आपको देते रहें और हमसे जुड़े रहें। कोई नेक सलाह हो तो जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।